मिस्टर पबजी वाला। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, ओ विविध हैकर, जिसमें हैकर ने तबाही मचा दी और भाई आंखों से ही उसने किल कर दिया मुझे। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को दिखाता हूँ, बताता हूँ और खेल के दिखाता हूँ। तो गाइस फटाक से मैं मिलिट्री बेस में लैंड करता हूँ, और जैसे लैंड करता हूँ मुझे एक यूजी कर मिलती है और एक M16 है। और उसके बाद फटाक से मैं इधर उधर जाता हूँ, मुझे फुट साउंड सुनाई देते हैं और तभी जल्दी से मैं इन दोनों बंदों को ना करता हूँ, उसके बाद फिश कर देता हूँ। इधर को फिश करता हूँ तभी एक और फुट साउंड, थोड़ा सा वेट करता हूँ और तभी सामने बंदा। और गाइस यहाँ पर इन तीनों बंदों को फिनिश करने के बाद थोड़ा सा लूटपाट करता हूँ, तभी कुछ फायर की आवाज़ सुनाई दे, थोड़ा सा अंदर भागता हूँ, कवर लेता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ, तभी गाइस पीछे से एक और फुट साउंड सुनाई देता, थोड़ा सा आ जाता हूँ और तभी भाई सब नॉक करने के बाद इसको फिनिश करता हूँ। और एक बोट था, इस बोट को फिनिश करने के बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद फिर मूव करता हूँ। और भाई इस बोट को फिनिश करने के बाद थोड़ा सा मूव करता हूँ और सामने से तभी एक और बोट, और भाई साहब तभी नॉक और फिनिश। बस इस बोट को फिनिश करने के बाद थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, कवर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा लूटपाट करता हूँ। और उसके बाद तो गाइस यहाँ से लूट करने के बाद थोड़ा सा मतलब राइट साइड में तो कुछ फायर की आवाज़ सुनाई देते हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। और आगे जाने के बाद तो थोड़ा सा वेट करता हूँ, तभी सामने से कुछ फायर की आवाज़ सुनाई देते हैं। उसके बाद सामने एक दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता हूँ और सामने देखता हूँ, तभी टावर के पास एक बंदा, और भाई सब काफ़ी तगड़ा स्प्रे दिया था, मुझे नहीं मालूम था कि वो पहले से ही मुझे देख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ किट लगाता हूँ और थोड़ा सा वेट करने के बाद एक फायर, और गाइस यहाँ पर थोड़ा सा तो डैमेज देता हूँ। उसके बाद बंदा काफ़ी कवर में हो जाता है और मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ से मैं निकलता हूँ और निकलने की सोचता हूँ, और आगे जैसे ही जाता हूँ तभी भाई साहब यहाँ आपको देखने को मिलेगा सामने एक बंदा दिखाई देगा। इस बंदे को नॉक करने के बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद जैसे ही यहाँ से आगे जाता हूँ उस बंदे को देखने के लिए, तभी वो बंदा सामने नॉक दिखाई पड़ता है। और उसके बाद इसको फिनिश करने की सोचता हूँ, और तभी सामने से एक और गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा वेट करता हूँ और उसके बाद नॉक वाले बंदे को फिनिश करने की सोचता हूँ, और फिनिश इसको फिनिश करने के बाद तभी गाड़ी रुक जाती है। और उसके बाद फिनिश करता हूँ, लेकिन गाइस बंदा जो था ये काफ़ी चलाक निकला और कवर ले लिया, गाड़ी से उतर कर पता नहीं किधर गया। उसके बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ और उसके तरफ जाने की सोचता हूँ, शायद रस करने की सोचता हूँ, लेकिन पता नहीं बंदा किधर छुप जाता है, समझ में नहीं आता है। और गाड़ी के पास जाता हूँ, देखिए आगे क्या होगा। तो गाइस काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो बंदा नहीं दिखाई देता है और पता नहीं किधर चला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ, तभी सामने से एक बगी की आवाज़ सुनाई देती है और सामने से एक बंदा दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उस बंदे को मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन तभी बगी वाले आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पर एक बंदा पहले से ही फिनिश था और मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा कवर मिल जाता है मुझे यहाँ पर, और तभी एक बंदा नॉक वाला दिखाई देता है। और तभी और गाइस इस बंदे को जैसे ही फिनिश करता हूँ, मैंने टोटल 7 किलो लेते हैं। और गाइस काफ़ी स्प्रे देने के बाद भी बंदा नॉक नहीं हुआ और कवर लिया और शायद दीवार के पास लेट गया। तो उसके बाद पीछे से मैं रश करता हूँ घूमकर, और गाइस बंदा यहाँ पर सामने लेटा हुआ होता है, तो मैं भी लेट जाता हूँ और थोड़ा सा कवर लेकर देखता हूँ कि कौन सा पोजीशन अच्छा है। तो और नॉक इस बंदे को नॉक रिलोड पर डालता हूँ, और रिलोड करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ और इस बंदे को फिनिश करता हूँ फिनिश। और इसमें जैसे ही फिनिश करता हूँ, सामने से एक गाड़ी से स्क्वाड आता हुआ दिखाई देता है, और तभी खड़ा होता हूँ और एक बंदा नॉक नॉक करने के बाद भाई सब जैसे ही आगे की तरफ जाता हूँ, तभी बच गया। और नॉक भाई साहब दो बंदों को नॉक करने के बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ, उस बंदे मुझे यहाँ पर लेट कर मैं गोली फिर से रिलोड करता हूँ, और तभी एक बंदा रिवाइव करते हुए दिखा देता है। फिर इस पर पूरी स्क्वाड यहाँ पर फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, तभी सामने से एक बोट, और गाइस नॉक नॉक करने के बाद इस बोट को, तभी उसके बाद खड़ा होता हूँ और उसके बाद इसको फिनिश करता हूँ और फिनिश। और गाइस मैं यहाँ पर सारे बंदों को फिनिश कर देता हूँ और मेरी सारे एमओ भी खत्म हो जाती है। उसके बाद आगे तरफ जाता हूँ और ढेर सारी बॉडी दिखाई पड़ती है, उसके बाद रुकता हूँ सामान, और जिस जमाने में फटाक से रुक। और भाई साहब तभी मुझे एक सामने ग्रेनेड की आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद कवर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, और तभी सामने से मुझे एक बंदा दिखा देता है। थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करता हूँ और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तभी सामने एक बंदा, और नॉक इस बंदे को नॉक करने के बाद तभी एक बंदा, और इसको भी स्प्रे दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा वेट किया और तभी सामने फायर की आवाज़, दो बंदे लड़ रहे थे आपस में,
गोली रोड पे डाला और भाई सब काफ़ी स्प्रे देने के बाद भी ये बंदा नॉक नहीं हुआ और कवर ले लिया थोड़ा सा, और जिस बंदे में नेटवर्क नहीं था वो अभी वहीं पर खड़ा था। इस बंदे को नॉक करने के बाद दोनों बंदों को नॉक कर दिया था और उसके बाद फिर से पीछे जाता हूँ क्योंकि वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर से गोली रोड पर लाता हूँ। और तभी से भाई साहब हैकर आपको मैं शुरुआत में दिखाया था वो हैकर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब मैं आपको डेथ रिप्ले भी दिखाऊंगा। तो सामने देखिए तभी एक मतलब बंदा दिखा देता है और उसकी तरफ मैं बढ़ता हुआ दिखा देता हूँ। और आज मैं यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था कि मैं उसको मार दूंगा, फिनिश कर दूंगा, और मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पर हैकर की वजह से मेरा पूरा मैच खराब चला गया, आपको देखेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या होता है, तो गाइज आप लोगों ने देखा अब हम लोग इसे मतलब क्या कहेंगे, मतलब हम कितने मतलब कंटिन्यू के साथ खेलते हैं कि मतलब हम ज़्यादा किल करेंगे और अच्छे खासे वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर भाई साहब ये हैकर लोग हमारा पूरा मैच खराब करते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर आपको अपना डेथ रिप्ले भी दिखाता हूँ, इसके पास मतलब बिना गन के ही मारता है। तो देखिए डेथ रिप्ले प्ले मतलब चालू हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सामने से आ रहा हूँ और ये बंदा लेटा हुआ है, इसके पास एक गन है लेकिन वो बंदा रखा हुआ है और उसको फायर भी नहीं करेगा और मैं किल हो जाऊँगा, आपको सामने से दिखाई देगा, थोड़ा सा वेट करिए। और भाई साहब